बच्ची ने बताया कि तो लड़कों ने फेंक दिया, आप इसे घर में दिया है बोलने लायक नहीं बोले बताए। धार्मिक नगरी चित्रकूट में एक 12वीं की छात्रा को मंदाकिनी पुल से फेंकने की खबर के बाद से पूरी पुलिस हड़कंपे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस इस दौरान जांच कर रही है और मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है। वहीं परिजनों ने दो युवकों पर छात्रा को पुल से फेंकने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि छात्रा को कोचिंग सेंटर से अगवा किया गया, फिर पुल पर जाकर फेंका गया। हालांकि पुलिस इस आरोप से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि प्राथमिक जांच में पुलिस को लड़की पुल पर अकेले जाते हुए दिखाई दे रही है, जिससे यह शक हो रहा है कि कहीं छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश तो नहीं की है। पुलिस अधीक्षक बृंदा शुक्ला ने बताया कि पूरा मामला कोतवाक्षी क्षेत्र का है। यहाँ छात्र यहाँ पर घुस मैदान में भारद्वाज कोचिंग सेंटर जाती थी। परिजनों के आरोप मुताबिक छात्रा जब कोचिंग सेंटर से करीब 6 बजे पानी पीने के लिए बाहर निकली तो उसे दो नकाबपोश युवक उसे जबरन अपनी बाइक पर बैठा लिए, उसके बाद उसे मंदाकिनी के पुल के जाकर नीचे फेंक दिया। आरोपी बदमाश मौके से तुरंत फरार हो गए। परिजनों के मुताबिक यह घटना आसपास खड़ी हुए लोगों ने देखी, उन्होंने तो तुरंत छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल पहुंचाया। छात्रा की हालत गंभीर देखते हुए जिला हॉस्पिटल ने लखनऊ केजीएम में रेफर कर दिया है। पुलिस इस दौरान छात्रा को विशेष व्यवस्था के तहत केजीएमयू लखनऊ पहुंचाया। एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा कि छात्रा की स्थिति जिला हॉस्पिटल में स्थिर बनी हुई थी, इसीलिए उसे लखनऊ रेफर किया गया। उन्होंने बताया कि परिजनों के आरोप के मुताबिक पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि सीसीटीवी खंगालने के बाद पता चला कि छात्रा पुल पर अकेली ही जा रही थी, जिससे इस पूरे मामले में आत्महत्या का शक भी जाहिर किया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच में जुटी हुई है। उन्होंने घर में सूचना दी पुल के नीचे जो घाट बना डॉक्टर क्या बता रहे हैं, कहाँ चोट है, क्या देखा? डॉक्टर अभी जांच कर रहे हैं, बोले टूटी तो कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे गिर गई बेटी वहाँ पे? बच्ची ने बताया कि तो लड़कों ने फेंक दिया, आप इसे घर में दिया है क्या बोलने लायक नहीं बोले बताए। जी, शाम में एक युवती का अपने कोचिंग सेंटर के बाहर से अगवा करके दो अज्ञात युवकों द्वारा मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर से फेंकना बताया गया था पुलिस को, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्रवाई में जुट गए थे। सबसे पहले जो युवती हैं उनको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई गई, पर अच्छे से अच्छे उपचार के लिए उनको केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया गया है और पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनकी एम्बुलेंस को वहां तक ले जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगालना आरंभ कर दी थी। मैं स्वयं भी सारा मार्ग पैदल घूम कर आई हूँ, सभी सीसीटीवी कैमराज को हमने देखा है और जो परिस्थितियाँ परिवार द्वारा बताई जा रही हैं वो कुछ संदिग्ध प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल नदी से 10 मीटर पहले तक का ही फुटेज जो उपलब्ध हुआ है उसमें युवती द्वारा स्वयं पैदल चल के जाना सामने आ रहा है, जिससे कि ऐसा लग रहा है कि संभवतः उनके द्वारा स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया गया और इसकी परिस्थितियों को अब थोड़ा बदल के दर्शाया जा रहा है। फिर भी प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हम सभी पहलुओं पर जांच करेंगे और जितने हमारे सामने साक्ष्य आ सकेंगे उसी के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।